Hello, my dear parents. Welcome to Achisahu Online Classes. How are you all? Hope you all are fine and doing good with your studies. I, Sabia, am back with one more lecture of mine. In our last session, we dealt with the Vakatak dynasty and Gupta dynasty. And in this class, we are going to deal with the Rajarshi Tulya dynasty and Nal dynasty. So stay tuned with the lecture and watch till the end. Before starting the lecture, let's have a look on these links. You can go through these links to stay connected and notified with us. And you can also visit our InstaMojo store and our website to purchase our study material. So now let's get started with the video. So today we are basically going to start the regional dynasties of Chhattisgarh. अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो अगर हम देखें Indian history जो हम पढ़ते हैं तो वो सारे जो dynasties हम उस वक्त पढ़ते हैं हमने अभी वो सारी deal की ठीक है. अब हम basically deal करने वाले हैं ऐसी dynasties को जो basically Chhattisgarh में prevalent थी. Okay, so these are called regional dynasties. या हम कह सकते हैं हिंदी में क्षेत्रीय राजवंश. तो first हमारा रहने वाला है Rajarshi Tulya dynasty. This is the oldest regional dynasty. ये हमारे state का सबसे पुराना क्षेत्रीय राजवंश है. According to brass plate inscription of Bhimsen II, हमको ये dynasty से related ये inscription बिल्कुल ध्यान में रखना है. कौन सा इंस्क्रिप्शन? ब्रास प्लेट इंस्क्रिप्शन, मतलब ताम्रपत्र अभिलेख. किसका? भीमसेन टू का, जो कि आरंग में पाया गया था. अकॉर्डिंग टू दिस वन, दिस डायनेस्टी प्रोबेबली रूल दक्षिण कोसला ड्यूरिंग 5th and 6th century. दक्षिण कोसला मतलब छत्तीसगढ़, ठीक है. सो दिस डायनेस्टी प्रोबेबली रूल्ड ड्यूरिंग 5th and 6th century. ये हमको किससे पता चलता है? आरंग ताम्रपत्र से, जो किसका था? भीमसेन द्वितीय या भीमसेन टू का. ओके, इट इज क्लियर फ्रॉम द आरंग इंस्क्रिप्शन दैट द रूलर्स ऑफ Rajarshi Tulya dynasty वेयर वसल्स ऑफ द गुप्ता किंग्स. वसल्स मतलब क्या होता है? वसल्स मतलब जैसे हम कह सकते हैं इन अ सबऑर्डिनेट पोजिशन. ओके, ये हम कह सकते हैं कि इन अ सबऑर्डिनेट पोजिशन गुप्ता डायनेस्टी जो है उनके सबऑर्डिनेट कहला सकते हैं ये Rajarshi Tulya dynasty के पीपल. ओके, किंग्स. दिस गिव्स एन आइडिया दैट दे हैड प्रोबेबली सरेंडर्ड टू द गुप्तास. मतलब उन्होंने उनसे सरेंडर कर दिया था, उनकी अधीनता जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी. दे ऑल्सो यूज गुप्ता कैलेंडर. वो लोग गुप्त कैलेंडर या गुप्त संवत भी यूज करते थे. बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि उनके जो अभिलेख थे उनके लेखों में जो डेट्स हैं वो गुप्त संवत या गुप्त कैलेंडर 182 या 282 मार्क्ड है, जो कि क्लियर नहीं है. ठीक है, तो अगर हम इसे गुप्त कैलेंडर का 182 मानेंगे तो ये जो डायनेस्टी है इसका जो ओरिजिन हुआ वो 5th century हम मान सकते हैं, और अगर हम 282 मानेंगे तो हम 6th century मान सकते हैं. इसलिए हमने क्या पढ़ा अभी कि दिस डायनेस्टी प्रोबेबली रूल दक्षिण कोसला ड्यूरिंग 5th and 6th century. ओके, द नोटेबल रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वेयर. कौन कौन नोटेबल रूलर्स थे इस डायनेस्टी के? तो नेम्स बस हमको याद रखना है. सुर, दैत वन, विभीषण, भीमसेन वन, दैत टू, भीमसेन टू. ओके, एक तो ये दैत वन, दैत टू, भीमसेन वन, भीमसेन टू, ऐसे याद हो गया. एक है ये सुर और एक है विभीषण. सो सुर, दैत वन, विभीषण, भीमसेन वन, दैत टू, भीमसेन टू. ओके, ये हो गए नोटेबल रूलर्स ऑफ देयर डायनेस्टी. देयर नेम Rajarshi Tulya कुल सिग्निफाइज दैट दिस क्लैन वाज नो लेस देन योगीज ऑफ देयर टाइम. ठीक है, जो राजा ये वर्ड जो आ रहा है तो इससे बहुत ही रॉयल वाली फीलिंग आ रही है ना. एंड दिस ओनली सिग्निफाइज दैट दिस क्लैन वॉज नो लेस देन योगीज ऑफ देयर टाइम, हेंस दे वर हेल्ड इक्वल टू होली सेजेस. उनको होली सेजेस के बराबर जो है इम्पोर्टेंस दिया जा सकता है. दिस टाइटल कैन बी कंपेयर्ड विद द टाइटल ऑफ राज धीराज श्री. ये जो टाइटल लगता था किसके टाइम पे? टेकन बाई चंद्रगुप्त टू. ठीक है, दिस टाइटल कैन बी कंपेयर्ड विद द टाइटल ऑफ राजा धीराज श्री मेंशन्ड इन द उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन. जो उदयगिरी का गुफा अभिलेख है किसका है? वो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकेंड का. तो दिस टाइटल कैन बी कंपेयर्ड विथ हिम. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट Rajarshi Tulya डायनेस्टी. ज्यादा कुछ बहुत डिटेल नहीं है.
इतनी सी बात है जिसको हमको ध्यान देना है. देन नेक्स्ट वी विल मूव टू नल डायनेस्टी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, सो हम क्या देख सकते हैं, इसका ड्यूरेशन देख सकते हैं 4th-5th century to 10th century. ठीक है, सम एरियाज ऑफ दक्षिण कोसला प्रेजेंट बस्तर वेर ऑक्यूपाइड बाई द नल डायनेस्टी, मतलब सम एरियाज ऑफ दक्षिण कोसल. दक्षिण कोसल क्या है, छत्तीसगढ़. उनके सम एरिया जिसके हम बात कर रहे हैं वो क्या था उस वक्त, बस्तर था. ठीक है, इस वक्त का जो प्रेजेंट बस्तर है उस एरिया की हम बात कर रहे हैं अगर हम बात कर रहे हैं नल डायनेस्टी के बारे में. सो सम एरियाज ऑफ दक्षिण कोसल वेर ऑक्यूपाइड बाई द नल डायनेस्टी, कौन सा एरिया, बस्तर. बिटवीन 4th-5th century to 10th century कैपिटल था इसका कोरापुट ओडिशा. एक्चुअल में ये जो डायनेस्टी है वो पूरा उधर भी फैली हुई थी और इसका कैपिटल था कोरापुट ओडिशा, बट इन छत्तीसगढ़ उसका कैपिटल क्या माना जाएगा, पुष्करी या भोपालपट्टनम. ठीक है, जो प्रेजेंट में भोपालपट्टनम है और उस वक्त क्या था उसका कैपिटल, कहा जाता था पुष्करी. ओके, नेम ऑफ द रूलर्स ये हमको बिल्कुल ध्यान रखना है. ओके, इसके तो बहुत सारे हम जैसे रूलर याद करेंगे तो ड्यूरेशन भी दिया जाता है इधर उधर. ठीक है, बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको इतना याद रखना है कि वो हम बोल सकते हैं कि 3rd-5th century से स्टार्ट होके 10th century तक जाता है ये. तो स्टार्टिंग रूलर कौन है, शिशुक, हु इज द फाउंडर ऑफ नल डायनेस्टी. इनका टाइम पीरियड रहा है 290 से लेके 330 AD, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नल डायनेस्टी. ठीक है, पर एक्चुअल फाउंडर ये नहीं कहलाएंगे, तो इसलिए हम जैसे अभी पढ़े 4th-5th century क्यों पढ़े, बिकॉज एक्चुअल फाउंडर ये नहीं कहलाएंगे, इसके बाद जो आएंगे वो कहलाएंगे. तो हम देखते हैं पहले शिशुक, फाउंडर ऑफ नल डायनेस्टी. तो फाउंडर ऑफ नल डायनेस्टी के नाम पे हमको बस एक नाम याद होना चाहिए, शिशुक, नथिंग मोर देन दैट. देन वी विल सी व्याघ्रराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज द सेकेंड रूलर. व्याघ्रराज अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति ऑफ हरिसेन, जो हरिसेन जो कि कोर्ट पोएट रहे हैं, दरबारी कवि ऑफ समुद्रगुप्त, उनकी जो प्रयाग प्रशस्ति थी उसके अकॉर्डिंग, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. ओके, इन वाकाटक डायनेस्टी, इन गुप्ता डायनेस्टी, हम ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगेन हम नल डायनेस्टी में पढ़ रहे हैं. ड्यूरिंग द विक्ट्री ऑपरेशन ऑफ साउथ, जो समुद्रगुप्त का दक्षिण विजय अभियान था, तो उस दौरान समुद्रगुप्त ने इन्हें डिफीट किया. तो ये हमको कहाँ से पता चलता है, प्रयाग प्रशस्ति ऑफ हरिसेन से. तो व्याघ्रराज के बारे में इतना जानना हमको सफिशियंट है कि अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति ऑफ हरिसेन, द कोर्ट पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त, ड्यूरिंग द विक्ट्री ऑपरेशन ऑफ साउथ, समुद्रगुप्त डिफीटेड व्याघ्रराज. थर्ड है वृषराज. ठीक है, थर्ड है वृषराज, सिर्फ हमको नेम नॉर्मली याद रखना है. फोर्थ है वराहराज, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई, बिकॉज ही इज द एक्चुअल फाउंडर, ही इज कॉल्ड एक्चुअल फाउंडर, जिनका जो टाइम पीरियड है वो है 400 से 435 AD, इसलिए कहा जाता है कि 4th-5th AD से ये शुरुआत हुआ है. ठीक है, तो वराहराज एक्चुअल फाउंडर, हिज 29 गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम एडेंगा कोंडागांव. ठीक है, एडेंगा कोंडागांव से इनकी 29 गोल्ड कॉइन्स पाई गई हैं, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ नल डायनेस्टी. ठीक है, ही वाज द एक्चुअल फाउंडर. फिर हम एक साथ तीन लोगों को देखेंगे, किसको किसको, भवदत्त वर्मन. यहां हमने चार लोगों को देखा, ठीक है, ये हमको याद रहना चाहिए, शिशुक एक्चुअल फाउंडर, व्याघ्रराज जिसके बारे में मेंशन है प्रयाग प्रशस्ति में कि समुद्रगुप्त ने डिफीट किया था, थर्ड नेम सिर्फ याद रखना है वृषराज, और चौथा वराहराज, हु वाज द एक्चुअल फाउंडर, हिज 29 गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम एडेंगा कोंडागांव. ये हमको चार एक साथ याद रखने हैं. हमको हमेशा से रूलर्स वगैरह होते हैं ना, बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमेशा हमको क्या करना चाहिए, एक ग्रुप बना के 3-4 का एक ग्रुप बना के हमको हमेशा याद रखना चाहिए. ठीक है, तो अब हम देखेंगे तीन लोगों को, कौन है वो, भवदत्त वर्मन, अर्थपट्टी भट्टारक और स्कंद वर्मन, ये तीनों को हम एक साथ देखेंगे. ठीक है, तो भवदत्त वर्मन अटैक्ड एंड डिफीटेड नरेंद्र सेन ऑफ वाकाटक डायनेस्टी. जो भवदत्त वर्मन है उन्होंने क्या किया, वाकाटक जो किंग है नरेंद्र सेन, उन पे आक्रमण किया. ठीक है, ऐसे आक्रमण किया किस पे, नरेंद्र सेन ऑफ वाकाटक डायनेस्टी, और नरेंद्र सेन के कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि क्या था वाकाटक डायनेस्टी का कैपिटल, नंदीवर्धन. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसका मेंशन रिद्धिपुर अभिलेख या रिद्धिपुर इंस्क्रिप्शन में किया गया है. ठीक है, तो जब भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन पे अटैक किया तो उसका बदला तो लेना ही होगा, तो इसलिए जो सन ऑफ नरेंद्र सेन था पृथ्वी सेन, ठीक है, नरेंद्र सेन का बेटा कौन, पृथ्वी सेन, उन्होंने क्या किया, एज अ रिवेंज अटैक किया किस पे, अर्थपति भट्टारक पे. अर्थपति भट्टारक कौन है, भवदत्त वर्मन का सक्सेसर, या फिर हम कह सकते हैं उनका बेटा. ओके,
So, as a revenge, son of Narendra Sen, Prithvi Sen attacked and defeated Arthapati Bhattarak and destroyed their capital Puskari. उनका capital जो था पुष्करी या फिर भोपाल पटनम उसको destroy कर दिया और इसका जो mention है वो किसमें है केसरी बेड़ा inscription में. First वाले का mention रिद्धिपुर inscription, second वाले का mention केसरी बेड़ा inscription. I hope it is clear. And जब ये पुष्करी को destroy कर दिया गया तो उसके बाद आए स्कंद वर्मन जिन्होंने पूरी जो एम्पायर थी जो कि नष्ट हो चुकी थी, कैपिटल नष्ट हो चुका था, उसको फिर से रीफाउंड किया. ठीक है, पूरा एम्पायर फिर से बसाया. सो ही इज नोन एज अ रीफाउंडर. ही रीफाउंडेड द एम्पायर एंड दिस इज मेंशनड इन पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन, रिद्धिपुर इंस्क्रिप्शन, केसरी बेड़ा इंस्क्रिप्शन एंड पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन. ये तीनों हमको याद रखने हैं. ये तीनों रूलर्स हमको याद रखने हैं. कौन कौन? भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक एंड स्कंद वर्मन. ठीक है, दैट्स ऑल. फिर देखते हैं एक स्तंभ राज और नंद राज, ऐसे याद रखना है. स्तंभ राज और नंद राज है. इंस्क्रिप्शन ऑफ बोथ ऑफ देम वेर फाउंड फ्रॉम कुलिया दुर्ग. कुलिया दुर्ग से इन दोनों के इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं, अभिलेख पाए जाते हैं. किसके? स्तंभ राज, नंद राज. अभी तक के जितने भी वो है रूलर्स हैं उनके हम नेम देखते हैं. ठीक है, याद करने की कोशिश करते हैं क्या क्या नेम थे. शिशुक, व्याघ्रराज, वृषराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन, स्तंभराज, नंदराज. ओके, देन हम देखते हैं पृथ्वीराज. पृथ्वीराज इसके बाद आए जो कि शिव जी के वीरूपाक्ष जो रूप होता है उसके वो पुजारी थे, या फिर हम कह सकते हैं वर्शिप द वीरूपाक्ष फॉर्म ऑफ गॉड शिव. ओके, तो इसलिए उनके बेटे का नाम क्या था? वीरूपाक्ष. तो ये याद करना बहुत इजी है. स्तंभ राज, नंद राज है, उसके बाद पृथ्वीराज और वीरूपाक्ष, ये याद हो गया. उसके बाद कौन आया? बिलासतुंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर. 700 से 740 एडी इनका जो है वो है ड्यूरेशन है, काल है. और राजिम इंस्क्रिप्शन, इनका जो राजिम अभिलेख है वो इनसे रिलेटेड है और बहुत बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो राजिम इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? बिलासतुंग से. ही वॉज वर्शिपर ऑफ विष्णु. ठीक है, विष्णु के उपासक थे, विष्णु के पुजारी थे. इन कंटेम्प्रेरी ऑफ महाशिव गुप्त बालार्जुन ऑफ पांडु डायनेस्टी. महाशिव गुप्त बालार्जुन पांडु डायनेस्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे. हम पढ़ेंगे इनके बारे में आगे. अभी हमको इतना याद रखना है कि बिलासतुंग जो थे वो कंटेम्प्रेरी ऑफ महाशिव गुप्त बालार्जुन ऑफ पांडु डायनेस्टी थे, मतलब उनके सामंत थे. ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि उनके समय के ही, उनके ही समकालीन थे. ठीक है, तो ही बिल्ड द राजीव लोचन टेम्पल ऑफ राजिम. ये भी हमको याद रखना है कि राजिम का जो सबसे फेमस टेम्पल है राजीव लोचन मंदिर, वो किसने बनवाया? बिलासतुंग ने बनवाया. एंड ही डिफीटेड पांडु डायनेस्टी किंग्स. ये हमको याद रखना है नॉर्मली. तो बिलासतुंग से रिलेटेड क्या याद रखना है? विष्णु के उपासक थे, राजिम इंस्क्रिप्शन इनसे रिलेटेड है, कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ महाशिव गुप्त बालार्जुन है पांडु डायनेस्टी के, और इन्होंने राजिम का राजीव लोचन मंदिर बनवाया. उसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी व्याघ्र. उसके बाद के इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी अगर देखते हैं पृथ्वी व्याघ्र जो पल्लव किंग नंदी वर्मन के अभिलेख है उदयेंद्रम. उदयेंद्रम इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लव किंग नंदी वर्मन मेंशंस अबाउट पृथ्वी व्याघ्र ऑफ नल डायनेस्टी. ठीक है, फिर एक देखते हैं भीमसेन देव, और लास्ट है नरेंद्र थबल जो कि लास्ट रूलर है. 935 से 960 एडी इनका ड्यूरेशन रहा है. सो नरेंद्र थबल, ही वाज द लास्ट रूलर. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द रूलर्स ऑफ नल डायनेस्टी. उसके बाद कुछ चीजें देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ए होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेसिंग सेकेंड, ए होल अभिलेख जो है पुलकेसिंग द्वितीय का, ही इट मेंशंस अबाउट द नल डायनेस्टी. उसमें नल डायनेस्टी का मेंशन किया गया है. नलवारी ग्राम जो है, नलवारी विलेज जो है नियर कोंडागांव, इट इज डीम्ड टू बी रिलेटेड टू नल डायनेस्टी. इसको नल डायनेस्टी से रिलेटेड प्लेस माना जा सकता है. कहीं कहीं पे तो जो पुष्करी है उसको ही नलवारी का एरिया कहा जाता है. ठीक है, तो नलवारी ग्राम नियर कोंडागांव इज डीम्ड टू बी रिलेटेड टू नल डायनेस्टी. मेन ऑफिशियल्स की अगर हम बात करें तो मंडलिक, ही वाज़ द चीफ ऑफ मंडल और विलेज. मंडलिक चीफ ऑफ मंडल, देन महामंडलेश्वर हेड ऑफ 1 लाख विलेजेस. हेड ऑफ 1 लाख विलेजेस वॉज महामंडलेश्वर. एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमिटी का नाम था महाघोष्ठ
एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमिटी थी एंड प्रेगदा जो है वो किसको बोला जाता था, मिनिस्टर्स को बोला जाता था। ठीक है, मेन इंस्क्रिप्शंस अगर हम देखें तो कौन कौन सी थी, केसरी बेड़ा हमने पढ़ा, रिद्धिपुर सबसे पहले पढ़ा था भवदत्त वर्मन से रिलेटेड, देन केसरी बेड़ा पढ़ा था अटपति भट्टारक से रिलेटेड, और पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन पढ़ा था स्कंद वर्मन से रिलेटेड। फिर हमने बिलास तुंग से रिलेटेड क्या पढ़ा था, राजिम इंस्क्रिप्शन। गोल्ड कॉइन्स जो है वो किसके किसके पाए गए हैं, नल डायनेस्टी से रिलेटेड वराह राज, भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक, ये हमको याद रखना है। ठीक है, दीज वेर थ्री इंपॉर्टेंट रूलर्स भी थे ये तीनों, हमको पता है। ठीक है, वराह राज कौन था, ही वॉज एक्चुअल फाउंडर, जिसके 29 कॉइन्स जो है गोल्ड कॉइन्स वो एडिंगा कोंडागांव से फाउंड हुए थे। भवदत्त वर्मन कौन है, जिसने अटैक किया था वाकाटक डायनेस्टी के रूलर पे नरेंद्र सेन पे। ठीक है, और अर्थपति भट्टारक कौन है, जिस पे की कृष्ण अटैक किया था पृथ्वी सेन ने। ठीक है, तो गोल्ड कॉइन्स इनके हमको मिले हैं। एंड लास्टली हम ये देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली दिस डायनेस्टी केम टू एन एंड बिकॉज ऑफ जो इनको इन्वेड कर दिया गया, किसके द्वारा, कल्चुरीज के द्वारा। सो मोस्ट प्रोबेबली दिस डायनेस्टी केम टू एन एंड आफ्टर बीइंग इन्वेडेड या डिफीटेड बाय कल्चुरीज। सो दिस इज ऑल अबाउट राजर्षि तुल्य डायनेस्टी एंड नल डायनेस्टी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास, एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास विल डील विद द शरबपुरी डायनेस्टी एंड देन विल सी अबाउट पांडू डायनेस्टी। ओके, सो दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, मिलती हूँ मैं आप सबसे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.